का शुक्र मैं ठीक हूँ। जी हाँ, मैं आपके जीके का ट्यूटर हूँ और आपकी क्लासेस जो है वो इंशाल्लाह आपको कंटिन्यू कर रहे हैं हम। आज उसकी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी ओरिएंटेशन क्लास है, तो उसका हम हवाले से स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा जी, तो उसमें पहले जो है आप में से स्टूडेंट भी अपीयर हुए होंगे कुछ की, अभी यानी कि फर्स्ट जो है वो अटेम्प्ट होगी, तो हम इंशाल्लाह बेसिक से जितना भी मतलब उसके बारे में डिटेल है, उसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, पेपर पैटर्न क्या है और उसके अलावा बुक्स कौन सी हैं जो हेल्पिंग है, तो इस तरह हम उनको सभी को वन बाई वन देखेंगे। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं कि प्रीवियस जो आपने देखा है कि जो सीजे के दो अभी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, एक जो है वो 2019 में हुआ है, फिर 2020 में हुआ है और उसके बाद जो है 2021 में तो नहीं हुआ, तो उसमें आप ऐसे कोई बता सकते हैं कि उसमें क्या परसेंटेज रही है जो मतलब जो ओवरऑल स्टूडेंट्स की, या फिर मेरे ख्याल में उनका वो सर्वे तो नहीं आता वन बाई वन सब्जेक्ट वाइज जिस तरह पीएमएस में आता है, तो रिजल्ट आपको पता होगा कि कितने एप्लीकेंट थे और उसमें कितने लोगों ने रिटर्न क्वालिफाई किया, किसी को याद है 2019 में कितने एप्लीकेंट थे और कितने लोगों ने रिटर्न क्वालिफाई किया? जी, किसी को है याद? आवाज आ रही है मेरी, सब सर सुन रहे हैं? आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। जी जी 2019 का सर पूछ रहे हैं आप? जी जी 2019 19 में सर तकरीबन पास अपेयर हुए थे 3500, 5000 ने अप्लाई किया था, 3500, 3000 अपेयर हुए थे, उसमें से 21 सॉरी 27 उन्होंने रखे थे, 28 पास किए थे, 27 उन्होंने रखे थे, एक जो है वो इंटरव्यूमेंट रह गया था, उसके ऊपर कोई FIR वगैरह। जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही था। तो ये अब मैं अभी मतलब उसमें हम देखेंगे अगर उस मतलब 3000 या समथिंग जो लोग थे उन्होंने रिटर्न एग्जाम दिया और उसमें जो क्वालिफाई जिन्होंने किया वो 28 थे, ठीक है, तो उसके अगर आप उसको पासिंग रेशियो आप देखें तो वो तकरीबन तकरीबन 2% के करीब बनती है, बल्कि 0.2% बनती है, ठीक है, सॉरी 0.2% इस दफा थी, अभी जो हुआ है ठीक है वो कोई मतलब 0.4% होगी, ठीक है, अभी जो लास्ट सिविल जज का एग्जाम हुआ है 2020 में, इसमें 3000 जो है वो लोग अपीयर हुए हैं, उसमें उन्होंने जस्ट 8 जो है स्टूडेंट उन्होंने रिटर्न क्वालिफाई किया है और उसके अगर आप पासिंग रेशियो देखें वो बनती है 0.2%। मतलब ये बताने का मकसद ये है कि आप जितने भी आप बड़े एग्जाम देख लें, आप सिविल जज को देखें, आप पीएमएस को देखें, आप सिविल सीएसएस को देखें, तो सब में से जो कम रेशियो है पास पास होने की वो किस में आप होगी है सिविल जज के अंदर, यानी इन्होंने सबसे जो टफ और जो मुश्किल एग्जाम कर दिया वो इन्होंने सिविल जज का कर दिया है। उसी तरह अब अगर हम इसमें अगर पेपर्स के ऊपर अगर हम आ जाते हैं कि सिविल जज के जो एग्जाम हुआ उसमें आप बहुत सारे दोस्त अपीयर हुए होंगे, उसमें जो मुश्किल तरीन पेपर थे, ठीक है, जिनमें ज्यादा लोग फेल हुए हैं वो कौन से सब्जेक्ट थे, तो उसमें लोगों का मोस्टली लोगों का जो है वो लॉ वाले सारे पेपर निकल गए हैं, लोग इंग्लिश में ड्रॉप हो रहे हैं, उधर से जो है वो जीके में ड्रॉप हो रहे हैं, यही सेम जो है अब यहाँ तो उनका सर्वे नहीं आता। अब इसी तरह पीएमएस में भी हमने लास्ट ईयर भी हमने देखा कि उसमें जो दो पेपर वहां भी मुश्किल होते हैं, एक इंग्लिश ऐसे वगैरह, दूसरा जो है वो जीके, उसमें अब जो एसे का पेपर था उसमें तकरीबन 60% के अराउंड जो है वो ड्रॉप आउट रेट था, लेकिन जो वहाँ पे जनरल नॉलेज का पेपर था उसमें 70% लोग जो है वो ड्रॉप हुए हैं, तो ये जनरल नॉलेज जो है वो इतना इजी पेपर नहीं है, ठीक है, इसको क्रैक करना या इसको मतलब प्रिपेयर करना, ठीक है, ये इजी टू मतलब मेक या और इजी टू ईट वो वाला काम नहीं है, इसके लिए पूरी आपको रिसर्च मतलब स्टडी और
पूरी प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है, क्यों कि बाकी जितने भी सब्जेक्ट है ना उसमें आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है, और आपने एक सब्जेक्ट के अंदर ही रहना होता है, ठीक है, जो अभी आपको मतलब इंग्लिश पढ़ा रहे हैं उन्होंने कि आप खुद पढ़ रहे हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक है, बाकी जो है वो लॉ वाले लॉ पढ़ा रहे हैं, तो उर्दू वाले उर्दू पढ़ाएंगे, लेकिन जनरल नॉलेज वाले जो है इसमें इसको कहते हैं 10 सब्जेक्ट जनरल नॉलेज, इसमें हम कभी इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, कभी आप एवरीडे साइंस, कभी जनरल नॉलेज। तो इसी तरह अभी आपने देखा कि आपका पेपर जनरल नॉलेज के अंदर उन्होंने आई थिंक मेगा 20 नंबर के तो उन्होंने एंटोनम सिनोनिम इस तरह वो दिए थे जो लास्ट हुए, यानी उन्होंने 20 से 40 नंबर की तो जस्ट इंग्लिश डाल दी हुई थी। तो अब इसमें अगर हम आगे नेक्स्ट देखें कि अब इंस्टीट्यूट के हवाले से पहले तो ये होता है कि मतलब जब भी आप प्रिपरेशन जो कि आपके हाल में आज ओरिएंटेशन क्लास भी है तो न्यू सेशन के हवाले से, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट जो होता है कोई भी किसी को आपने जब आप स्टार्ट करते हैं कंपटीशन की तैयारी तो उसकी सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए, ठीक है। तो आप मतलब हमारे हर बंदा जो है ना वो किसी न किसी मतलब एक चीज को ना एक साइकी को के ऊपर हम चल रहे होते हैं, उसी को फॉलो कर रहे होते हैं, मतलब एक डगर है एक चाल है जिसके ऊपर यानी कि हम खुद से हमने हम बिला सोचे समझे दूसरों के कहने पे अमल कर रहे होते हैं कि चलें यही रास्ता इधर ही जाना यही ठीक है। अब उसमें पहली चीज जब भी हम किसी मतलब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम कहते हैं कि इंस्टीट्यूट जो है ऐसा आना चाहिए जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो, रिप्यूट अच्छी। उसमें आप क्या होता है कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाएं, ठीक है, वो आपसे मतलब 80,000 या जितनी भी फीस लेते हैं, उसमें यह होता है कि उनका नाम तो ठीक है उन्होंने स्टार्ट में बनाया होता है मेहनत होती है, लेकिन 2 या 3 टीचर के अलावा उस अकेडमी में भी मतलब अच्छे टीचर आपको नहीं मिलेंगे बाकी सब सारे सब्जेक्ट के, ठीक है। अब क्योंकि मैं इस चीज को लाइक तो नहीं करता कि मतलब खुद से मतलब अपनी जो वो तारीफ करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट टाइम जब मैंने जीके पढ़ाया था यानी क्लासेस थी जो अभी जिन लोगों ने अभी दिया हुआ 2022 के अटेम्प्ट दी है, तो उन्होंने मुझे बाद में ये फीडबैक दिया, मुझे एक स्टूडेंट ने कॉल की और मुझे कहते हैं कि सर मैंने आपको शुक्रिया के लिए कॉल किया। मैंने कहा वो क्यों? कहते हैं कि आपको मैंने अप्रिशिएट करना है क्योंकि आप मैंने इससे पहले 2 सिविल जज के एग्जाम दिए हैं लाहौर के अच्छे इदारे से मैंने पढ़ा, ठीक है, उनकी मतलब हाईएस्ट फीस भी पे की, बाकी उनका सारा शेड्यूल वो फॉलो किया, प्रैक्टिस छोड़ दी सारा कुछ जो भी बात है। अब उसमें कहते हैं कि ये था कि वहां मैंने कहते हैं दोनों अटेम्प्ट के अंदर मेरे जो पेपर फेल हुए हैं, एक मेरा जीके फेल हुआ है दूसरा मेरा इंग्लिश, दोनों बार यही सेम रिजल्ट रहा है। अब वो कहते हैं कि जीके का की रीजन ये है कि वहां पे जीके पढ़ाते ऐसे थे कि मॉडल पेपर कहते हैं कि ये वाला मतलब जो इम्तियाज शायद की बुक है उसके यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन कर लें यहाँ से यहाँ तक कर लें, तो मतलब एक पूरा एक मेथडोलॉजी है जनरल नॉलेज को पढ़ने के लिए, ये ऐसे तो पेपर कभी भी आप तैयार नहीं कर सकते। तो कहती हैं कि मुझे सबसे ज्यादा आपका मेथड अच्छा लगा है कि आपने जिस तरह पढ़ाई है चीजें, अगर मैं आपसे पढ़ती तो मैं एक हाईएस्ट स्कोर करती, ठीक है। तो अब मतलब ये कहने का मकसद कि किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप वहाँ की फैकल्टी सारी फैकल्टी को एक दफा चेक करें, विजिट करें, कि उनसे एक लेक्चर एक एक दो दो अटेंड करें कि इनके पढ़ाने का स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। फिर आप मोस्टली मतलब स्टूडेंट अगर अकेडमी को ज्वाइन नहीं करते ना तो अगर वैसे मतलब वन साल को किसी टीचर को ज्वाइन कर लेते हैं कि जी चलें हम इनसे पढ़ते हैं, तो उस टीचर से एक टेस्ट लिया जाता है, हर स्टूडेंट एक टेस्ट लेता है कि जनाब सर आपकी मतलब आपकी जॉब क्या है, ठीक है। तो वो टीचर बताएंगे जनाब मैं फलां CSP हूँ या किसी भी 17 ग्रेड पे जॉब कर रहा हूँ। अब मैं आपको ये बताऊं कि जब भी आप कहीं किसी टीचर से पढ़ने जाते हैं ना तो उसके जो जो उसका यानी उनकी जो डेजिग्नेशन है उसका टीचिंग से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। ये हमारी सिर्फ हम अपनी जो सेटिस्फेक्शन है ना मेंटली उसको हम सिर्फ अपने आप को तसल्ली देते होते हैं। अब इसी का फायदा मतलब वो टीचर भी ले रहे होते हैं कि जो आम अच्छा टीचर भी अगर आपको पढ़ाता है ना मतलब 5-6 हज़ार रुपये फीस लेकर, वो आपसे कहेंगे हम आपसे 12 हज़ार फीस लेंगे, ठीक है, वीकेंड पे मेरे 2 दिन फ्री होते हैं आप आ जाइएगा, मंथ में आपकी 8 क्लासेस होंगी इस तरह। अब इससे क्या होता है कि आप मैं मतलब कभी भी यानी कि टीचर यानी जो भी मतलब किसी भी मतलब अच्छी जॉब पे लगे हुए ये नहीं कि वो अच्छा पढ़ा भी सकते हो, ठीक है, पढ़ा सकते कुछ अच्छे टीचर हैं भी, लेकिन मोस्टली आप भी जाएं लाहौर के अंदर अकेडमीज हैं या आपको पहले भी एक्सपीरियंस होगा तो आप ये यानी कि डेजिग्नेशन से भी टीचिंग का ताल्लुक नहीं है। और बाकी ये है कि अगर आप उनसे जा पूछते भी हैं तो मैं मतलब अक्सर स्टूडेंट मजाक करता हूँ, मुझे कहते हैं कि
सर आपकी कौन सी जॉब है? तो मैं कहता हूँ कि मेरी पे आपके अकाउंट में तो नहीं आनी। तो अब अच्छा तीसरी चीज जो पूछा जाता है ना टीचर से, उनसे मतलब स्टूडेंट कहता है कि टेस्ट लेते हैं कि जी सर आपकी एजुकेशन क्या है, तो मैं आपको ये चीज भी क्लियर करूँ कि पढ़ाने से एजुकेशन का भी कोई ताल्लुक नहीं है। कि मैंने और आपने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा या किसी सेमिनार में जाते होंगे, इसी तरह बहुत सारे इवेंट होते हैं, तो लोग कहता है कि PhDs लोग हैं, ठीक है, आप उनकी स्पीच सुनना शुरू करते हैं, लेक्चर सुनना शुरू करते हैं, आप 10 मिनट के बाद बोर होना शुरू हो जाएंगे। कोई मोबाइल पे गेम खेल रहा है, कोई कुर्सी पे टेक लगा के जनाब रेस्ट करना सो गया, ठीक है, और लड़के तो ऐसे करते हैं बाहर निकल के कुछ सिगरेट वगैरह पिया और उसके अलावा जो है वो चाय पी, टाइम पास किया। अब वजह क्या है? रीजन ये है कि यानी कि जो कुछ लोगों के पास नॉलेज खुद अब इससे अपने पास तो होता है लेकिन डिलीवर करना नहीं आता, ठीक है। तो इस सारी डिबेट का मकसद क्या है कि जो भी यानी कि मतलब आप अगर किसी इदारे में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो टीचिंग जो एक प्रोफेशन है, टीचिंग एक आर्ट है, ठीक है, इसका इन चीजों से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है। आप हत्या कि मैं मतलब आप ऐसे भी यानी कि आप एक अच्छे यानी कि PhD को लेके आए, एक आम मास्टर को मतलब ग्रेजुएट को लेके आए, आप उनको देखेंगे कि उनके पढ़ाने में हो सकता है उनके वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी पढ़ा रहे होंगे, स्टेज के ऊपर खड़े हुए भी, यानी कि अगर नहीं भी बोल रहे फिर भी आप उनसे सीख रहे होंगे, अगर यानी कि उनके बोलने का अंदाज है आप उससे भी सीख रहे होंगे कि बोला ऐसे जाता है, अगर कोई क्लास से क्वेश्चन कह रहा था वो आंसर करेंगे आप इससे भी सीखेंगे, अच्छा यूं कर सकेंगे, मतलब ये सारी चीजें, ये क्या है, ये एक टीचिंग एक आर्ट है, यानी कि आपके माइंड में जहाँ पर आप पढ़ते हैं अगर वहां से जो कुछ पढ़ा जाता है, ठीक है, वो अपना माफ जमीर आप तक पहुंचा रहे हैं, उनके जो भी चीजें पढ़ाई आपके जेहन में उतर रही हैं, आप वहां से बेशक कम फीस लेके पढ़ लीजिए लेकिन अपना फायदा सोचिए, ठीक है। ये चीज मैंने जो अभी कही है, इसकी इससे किसी कोई डिसएग्री कर रहे हैं? क्योंकि मैं तो कह देता हूँ, क्योंकि कहते हैं इलाम इकबाल का शेर है ना, मुझे है हुक्मे अजां ला इलाहा इल्लल्लाह, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्मे अजां ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं तो बागी हूँ, मैं कलमा हक कह देता हूँ जो सच बात होती है। तो आप में से किसी कोई डिसएग्री कर रहे हैं मेरी इस बात से? सर एग्री करते हैं सब, आई थिंक मैं तो एग्री करता हूँ। बाकी लोग जाग रहे हैं, मुझे रिस्पांस दे रहे हैं यहाँ पे चैट बॉक्स में, जो जिनके पीछे शोर होता है या अगर कोई सो रहा होता है पास। तो अच्छा जी, इससे हम आगे चलते हैं। अब हम अगर हम मैं अब पास पेपर के जो आपने मतलब हुए हैं उसको आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि सिलेबस आपका क्या है, ठीक है, पेपर का पैटर्न क्या था, और उसके अलावा जो है पास जो अगर आपने यानी कि उसमें नंबर स्कीम देखी होगी कि कितने जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कितने सब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है, बाकी पासिंग नंबर्स का भी आपको पता होगा कि जीके में कितने आपको नंबर चाहिए। तो अब सिलेबस वाली स्लाइड सर आपने यहाँ पे शेयर किए हैं, पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं फिर हम पेपर पैटर्न पे आ जाते हैं। जी ये आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो यहाँ पे आपका जो अभी यानी कि उन्होंने 2022 में एग्जाम लिया है, उसमें चूंकि उन्होंने कुछ पेपर्स के अंदर उन्होंने जो एक्सक्लूड कर दिए कुछ सब्जेक्ट, स्पेशली उन्होंने इंग्लिश से लिटरेचर निकाल दिया और उर्दू से बाकी तकरीबन सब्जेक्ट सेम है, जीके में भी कोई एक एक सब्जेक्ट को उन्होंने निकाल दिया है, ठीक है, इसमें जो इंटरनेशनल जो IR था ना, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो थे यानी कि इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते थे वो अब नहीं आए और अभी भी वो पेपर उसमें भी नहीं आए। अच्छा अब आपके सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं? एवरीडे साइंस, उसके बाद जनरल नॉलेज है, और उसके बाद पाकिस्तान अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर के अंदर प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन कंप्लीट हिस्ट्री है, यानी कि 712 से लेके आप 1947 तक आएंगे, और उसके बाद 1947 से लेके अभी आपने 2022 तक ये सारी हिस्ट्री आपने पढ़नी है, और उसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी दोनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, और उसके बाद फोर्थ वन जो है वो इस्लामिक स्टडी है, ठीक है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आ सकते हैं और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसमें एक जो सब्जेक्ट है ना यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पे जनरल नॉलेज, बाकी तो आपको समझ आ गई मैं जो कि देखने से कि एवरीडे साइंस है तो साइंस के क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी पाकिस्तान अफेयर का भी और इस्लामियात का भी, लेकिन जनरल नॉलेज जहाँ पे लिखा हुआ है ये कोई आसान से मतलब कोई 10-20 क्वेश्चन नहीं है,
जनरल नॉलेज कहते हैं 10 सब्जेक्ट को, इसमें आप जो बाकी उन्होंने अलग अलग लिख दिए उनको निकाल के बाकी सारे सब्जेक्ट जनरल नॉलेज में आ जाते हैं, ठीक है, हैं वो भी जनरल नॉलेज का हिस्सा, लेकिन उसमें चूंकि उन्होंने अलग लिख दिए, अब इसमें आप करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी जनरल नॉलेज में आ सकते हैं, इंग्लिश से रिलेटेड भी क्वेश्चन जनरल नॉलेज में आ सकते हैं, ठीक है, आता है कि मैथ, कंप्यूटर, ज्योग्राफी और बाकी जो किसी यानी कि उर्दू वगैरह से भी रिलेटेड क्वेश्चन वो जनरल नॉलेज में पूछ सकता है। यही वजह है कि अब आपसे उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि आप पेपर जनरल नॉलेज का है और आपने उसमें 40 मार्क्स की तो इंग्लिश ऐड कर दी है, ठीक है, जो अभी आपका लास्ट पेपर है वो है। तो काइंडली जिनका माइक अनम्यूट है वो म्यूट कर दें। सर अगर आप होस्ट हैं तो इनको जरा म्यूट कर दें, फरहाल कर दें। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा था जनरल नॉलेज जो सेकंड आपका यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने सब्जेक्ट, अब इसमें ये सारे सब्जेक्ट आ सकते हैं, यानी करंट अफेयर आ सकता है, इंग्लिश, मैथ, बाकी, इसीलिए आपके इस पेपर में 40 इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे और आप नहीं कह सकते एग्जामिनर को कि आपने तो कहा था जनरल नॉलेज का पेपर है और आपने इसमें इंग्लिश क्यों ऐड किया, तो ये उन्होंने पहले ही आपको सिलेबस में बता दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको आप खुद मतलब उसके आपने देखना है कि उसके अंदर जनरल नॉलेज का असल मतलब कहाँ तक है, उसके जो वो डिफाइंड एरियाज हैं जो आपने तैयार करने हैं, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, अब सिलेबस आपने देख लिए, अब आ जाते हैं, ठीक है, जो पास्ट पेपर है ना उसमें आपको मैं पेपर पैटर्न आपको दिखाता हूँ कि वाकई क्या ऐसे ही उन्होंने पेपर जो पास्ट हुए हैं, तो अभी शायद आखिरी साल वाले देख लेते हैं, ठीक है, या उसके अभी शायद आप या 2020 सर और 2019 और लास्ट वाला भी और अभी वाला दो देख लेते हैं, एक 2020 वाला और एक 2022 वाला, दोनों दिखा रहे हैं। अच्छा ये देखें जी, ये अभी जो रिसेंटली हुए हैं 2022 में, इसके अंदर आप देखें पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इज कंपलसरी, ठीक है, सेकंड में है कि अटेम्प्ट 1 फ्रॉम ईच पार्ट और थर्ड है ऑल क्वेश्चन कैर इक्वल मार्क्स। अच्छा ये पहला और दूसरा क्वेश्चन कंपलसरी जो है उसमें आप पढ़ें कि इसमें ये क्वेश्चन है क्या, ठीक है, चूज करेक्ट आंसर, डू नॉट रिप्रोड्यूस द क्वेश्चन, ठीक है, अब यहाँ पे लाइट में नहीं है यहाँ पे, ठीक है, अब ये देखें अब इंग्लिश से रिलेटेड उन्होंने नहीं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, अच्छा हु इज नाउन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, उसके बाद आगे क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नाउन एज द हीरोइन ऑफ 1949 क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बाद थर्ड है द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड टू दिल्ली ड्यूरिंग द रेन ऑफ, यानी किसके दौर में हुआ। अब ये देख ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट जो उन्होंने कहा है कि ये वाला कंपलसरी है, ठीक है, ये 20 मार्क्स का है। उसके बाद सर आगे चलें, इसमें ये जितने क्वेश्चन है 20 के 20 जनरल नॉलेज के उन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट से उठा के उन्होंने 20 क्वेश्चन बना दिए हैं। सर स्क्रॉल करें तो इसको आगे देखते हैं, अच्छा उसके बाद आप जहां पे सेकंड देखें चूज द वर्ड और फ्रेज यू कंसिडर नियरेस्ट इन मीनिंग टू द की वर्ड, अब यहाँ पे ये नीचे दिए हुए हैं, अब ये सारे क्या हैं फ्रेज हैं, ठीक है, इनमें से आपने चार ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, ऊपर उसने एक क्वेश्चन वर्ड दे दिया वर्ड और फ्रेज, ठीक है, या एक एक वर्ड है कोई भी, वो एंटोनम हो सकता है, सिनोनम हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई पूरा फ्रेज हो सकता है, ठीक है, वो लिखा है और नीचे चार ऑप्शन है, अब 20 ये क्वेश्चन ये सारे इंग्लिश से आए हैं, ठीक है, और ये भी क्या है, ये भी जनरल नॉलेज है। सर आगे चलें, अच्छा जी उसके बाद आगे नेक्स्ट है पार्ट वन के अंदर है, अब यहाँ पे एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन इन फ्रीडम मूवमेंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, अब लाहौर रेजोल्यूशन को जो है जी उसके अंदर जो फ्रीडम मूवमेंट है सब कॉन्टिनेंट उसके उसकी अहमियत के ऊपर आपने यानी उसको एक नोट लिखना है उसके ऊपर, अब ये किस पे आ चुके हैं, ये भी आप जो आपकी आपने सेकेंड में पढ़ा था जब मिल के थर्ड पे जो आपको उसने मेंशन किया है कि पाकिस्तान अफेयर, ठीक है,
उससे रिलेटेड है, ठीक है। प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन में से कोई भी क्वेश्चन वो उठा के पढ़ सकते दे सकता है। राइट कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन द फॉलोइंग, फोर्थ क्वेश्चन है सुधी मूवमेंट, संगठन, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, ये सारे क्या है, ये आपका पाकिस्तान अफेयर है, ठीक है। उसके बाद आगे पार्ट सेकेंड जो है उसके अंदर लिखा है कि डिस्कस इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैड टू फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब ये बताएं कौन सा ये सब्जेक्ट है, पोस्ट पार्टीशन, ये पाक अफेयर्स है। जी, ये भी पाकिस्तान अफेयर से क्वेश्चन है और उसके अंदर उन्होंने जो आपके करंट इश्यूज चल रहे हैं ना उसके ऊपर दिया है। पहला तो हिस्ट्री के ऊपर दे दिया है ना, अब ये उन्होंने कहा है कि आप डिस्कस करें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम विच द गवर्नमेंट, यानी अभी आपके जो करंट जो भी इश्यूज चल रहे होते हैं उनके ऊपर आप जो इस तरह अभी पॉलिटिकली जो यहाँ पे मामला हो रहे हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से, ठीक है, बाकी भी कोई भी इशू जो वाटर प्रॉब्लम है या एनर्जी क्राइसिस है या इसी तरह उन्होंने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ये सारे वही हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपकी रिसर्च होनी चाहिए कि ये कहाँ से आपने सारा मटीरियल लेना है, नॉलेज लेना है, ये हम आगे जाके बुक्स में एंड पे बताता हूँ। आगे सर, अच्छा जी, उसके बाद आगे ये सेकंड इसका आगे क्वेश्चन था वो भी खैर उसी में है, उसने सर सिक्स नंबर क्वेश्चन जरा उसको रीड करने दें नीचे कर। ये करप्शन के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसके मतलब करंट अफेयर के ऊपर दो जो क्वेश्चन है उसमें, हाँ ये वाला, पाकिस्तान इज अ पुअर कंट्री वेयर रिच पीपल लिव, ठीक है। व्हाट पार्ट प्रैक्टिकेबल एंड फिजिबल स्टेप्स शुड करप्शन को खत्म करने के लिए हमें क्या जो है वो स्टेप्स लेने चाहिए, तो ये भी करप्शन के ऊपर भी आपके करंट एक इशू है पाकिस्तान का जो हमेशा से चलता आ रहा है, ठीक है, और अभी तक है स्टिल। तो इसके ऊपर आपकी पूरे पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए कि पॉइंट्स जिससे आप पूरा क्वेश्चन 20 मार्क्स का लिख सकें। आगे पार्ट थर्ड है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जिहाद इन द लाइट ऑफ द कुरान एंड सुन्ना, व्हाट आर इट्स काइंड। अब ये क्या है, इस्लामिक स्टडी पे हम आ चुके हैं, जिहाद के ऊपर आपने नोट लिखना है, उसके आगे डिफरेंट जो काइंड हैं वो भी आपने बतानी है, ठीक है। उसके बाद किस सूरत में जो आगे, अच्छा कंडीशन उसकी क्या है वो बतानी है, प्रिंसिपल वो बताएं। आगे एट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज कैलिफेट मीन, खिलाफत का क्या मतलब है जी, एनमोरेट इट साइलेंट फीचर इसके लिखें। अब यहाँ पे आपका पेपर एंड हो चुका है, सेकंड जो पार्ट है वो उनके लिए जो नॉन मुस्लिम है वो एथिक्स के ऊपर कोई क्वेश्चन, मतलब ये दो तीन क्वेश्चन है वो उनमें से कोई अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब यही यानी उसने सारा पेपर कहाँ से दिया है कि आपका जनरल नॉलेज से, उसके बाद पाकिस्तान अफेयर से, उसके बाद उसने इस्लामिया से दिया। पहले एवरीडे साइंस का पहला जो एक जो इंग्लिश वाला उसने क्वेश्चन ऐड किया, यहाँ पे एवरीडे साइंस का क्वेश्चन आता था, मतलब उसकी चॉइस है वो दे सकता है, ठीक है, और चाहे तो किसी और भी सब्जेक्ट से वो दे सकता है। अच्छा, अब आपने इसमें अगर आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव स्कीम देखें कि उसमें कितने परसेंट आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, कितने परसेंट सब्जेक्टिव होगा, तो इसमें आप देखें कि पहले जो दोनों क्वेश्चन थे 20-20 मार्क्स के वो तो हो गए ऑब्जेक्टिव, यानी 40 का आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, बाकी कितने रह गए 60 का आपने सब्जेक्टिव लिखा। लेकिन अब ये वो उसने ये 100% ये मतलब वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना दिया कि पेपर हमेशा ऐसे ही आएगा। जो लास्ट ईयर का पेपर अगर आप देखें जो उसमें उसने क्या किया है, उसमें आपके पास 80% यानी जो नीचे वाले दो पार्ट है ना जिसमें उन्होंने कहा है कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, यहाँ पे उन्होंने एक क्या क्या दिया था, एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी चाहे तो आप ऑब्जेक्टिव कर लें, 20 ऑब्जेक्टिव दी हुई थी और एक जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उस तरह आप जो यानी एक पार्ट के अंदर नहीं था, बाकी दो पार्ट्स के अंदर उन्होंने ऑब्जेक्टिव ऐड किया, यानी चार क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट कर सकते थे, यानी अगर आप उसको ऐसे अंडरस्टैंड करें कि 80 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव उसने पेपर दिया था, एक क्वेश्चन था 20 मार्क्स का जो आपने आपने डिस्क्रिप्टिव लिखना था, तो वो अभी भी अपना चेंज कर सकता है पैटर्न, ठीक है। आपने दोनों तरह से, क्योंकि एग्जाम इसी चीज का नाम है कि आपको हर तरह से मेंटली प्रिपेयर होकर जाना होता है, वो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे तब भी आपको आना चाहिए, सब्जेक्टिव पूछे तब भी आपको आना चाहिए।
बाकी आपने जो ओवरऑल नंबर इसमें से पासिंग के लिए आपको 40 नंबर चाहिए होते हैं, लेकिन अगर आपने एग्रीगेट बनाना है, आपके सारे पेपर पास हैं ठीक है और ओवरऑल आपके यानी कि 50% नंबर नहीं बन रहे, तो फिर भी आप यानी कि वो आपको इंटरव्यू यानी आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होते। इसलिए एग्रीगेट के लिए आप यानी इसमें से भी आप 50 नंबर आपने एग्रीगेट बनाने के लिए आपको चाहिए, पासिंग के लिए 40। तो यहाँ तक आपको ये पेपर पैटर्न और बाकी जो मैंने आप इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की नंबर स्कीम बताई है क्लियर हो गया आपको। आगे हम बुक्स पे जा रहे हैं। जी यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो शार्ट क्वेश्चन कोई कर सकते हैं, क्योंकि आगे हम एंड पे क्वेश्चन आंसर के लिए हम सेशन रखते हैं। ठीक है क्लियर है तो यहाँ पे मुझे राइट साइड पे मैसेज कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि आप तक बात पहुंच रही है। चलें सर आगे। अच्छा चलें ठीक है जी, थैंक यू। लास्ट में अब हम देखते हैं सर इसको, बेशक आप मतलब इसको स्लाइड्स को हटा दें ठीक है, बुक्स वाली जो अगर फाइल वहां पे है तो उसको शेयर कर दें। जी सर मैं करता हूँ। अच्छा जी इसके लिए अभी जो मार्केट के अंदर बुक्स हैं अवेलेबल हैं वो अगर आप वन बाई वन लेना चाहें तब भी यहाँ पे मैंने कुछ बुक्स ये आप ऐड किए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और वैसे मोहम्मद अली चौधरी साहब जो हैं उनकी एक इकट्ठी बुक भी है, इन्हीं सभी पार्ट्स के ऊपर अलग अलग आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो भी अच्छी बुक है ठीक है। यानी कि इसके लिए आप एक ना एक अच्छी बुक ज़रूर खरीदें ठीक है। उसकी भी मैं पिक्चर शेयर कर दूंगा, उसकी शायद यहाँ पे पिक्चर नहीं है ठीक है। अमित चौधरी जो है उनकी स्पेसिफिक वो इसी सिलेबस के मुताबिक सीजे के लिए उन्होंने वो लिखी है। बाकी आप यहाँ पे अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो एवरीडे साइंस जो है यानी पहले तो ये मॉडल पेपर अपने पीपीएससी मॉडल पेपर है, इम्तियाज शायद इसके राइटर हैं और ये एडवांस बुक पब्लिशर जो है उनकी ये बुक है। अब ये जो बुक है इसमें आपने ये सारी बुक नहीं पढ़नी ठीक है, ये इसमें तो बहुत सारे पेपर ऐसे हैं, कभी कॉपरेटिव आ जाता है, कभी कुछ यानी के लेबर क्लास आ जाते हैं कभी, तो ये आपके लिए यानी के पेपर इसमें जो पढ़ने वाले हैं उसमें आपने अपने सब्जेक्ट के मुताबिक जो आपके क्वेश्चन हैं उनको आप टिक लगाएं या हाईलाइट करें, सिर्फ आपने वो पढ़ने हैं, बाकी बेशक उनको क्रॉस लगा लें ठीक है। अब इसमें एवरीडे साइंस के जो क्वेश्चन हैं ठीक है वो भी आप यहाँ से उनको पढ़ सकते हैं, मतलब इसमें रिपीट हो जाएंगे। बाकी उसके अलावा जो इसके ऊपर मैंने अच्छे से लेक्चर खुद कंपाइल किए हुए हैं, इसके नोट्स भी हैं ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आपका ये मतलब ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। सेकंड पे अगर आप जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज के अंदर भी जो मैंने आपसे कहा है कि इसमें करंट अफेयर वगैरह जो है वो तो आपने चेंज होता रहता है, आपको साथ साथ अपडेट करना पड़ता है, उसके ऊपर भी हमारे लेक्चर खुद से हैं ठीक है, वही हम पढ़ेंगे ठीक है। और उसके अलावा उसमें करंट अफेयर सब आपने देख लिया कि उस पर वन लाइनर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है एमसीक्यू टाइप वो भी आ सकते हैं, और उसके अलावा जो है वो करंट अफेयर के ऊपर कम्प्रीहेंसिव टॉपिक भी आ सकते हैं। ये जो नीचे आपको भी बुक नजर आ रही है इसके अंदर आपको करंट अफेयर के तकरीबन बहुत सारे टॉपिक जो हैं जिन पर आपने सब्जेक्टिव मतलब पूरा एक लिखना है क्वेश्चन ठीक है, वो आप लिख यहाँ से तैयार कर सकते हैं ठीक है। उसके अलावा अगर आप यानी कि पाकिस्तान अफेयर को देखें तो इससे ऊपर जो एक बुक है पाकिस्तान अफेयर के हवाले से सर, ये इसके ऊपर जो बुक है पाकिस्तान अफेयर की उसको जरा स्क्रॉल करें, पाकिस्तान वर्ल्ड अफेयर ठीक है, ये पाकिस्तान के शमशाद अहमद साहब हैं ठीक है, पाकिस्तान के ये फॉरेन में एम्बेसडर भी रह चुके हैं, इनकी ये बुक है ठीक है, डॉन के अंदर इनके आर्टिकल्स भी आते हैं, बहरहाल इनका पाकिस्तान वर्ल्ड की हिस्ट्री के ऊपर बहुत अच्छा इनका वर्क है, इसको आप ले सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप हामिद खान की जो पाकिस्तान वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से उनकी बुक ले सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल में चीज़ें हैं, उसको पढ़ें ठीक है, नहीं तो इसको कम से कम ज़रूर पढ़ लें। उसके बाद आप अगर हम इस्लामियात की बात करें तो आखिर में इस्लामियात की एक बुक यहाँ पे ऐड की है ठीक है, उसको ले के पढ़ सकते हैं। बाकी करीमदाद जो है दुक्ताई उसकी बुक है, उसको भी मतलब आप बहरहाल ये कि
ये इस्लामियात की एंड पे देख लें एक दफा, फिर मैं इंग्लिश पे आता हूँ, क्योंकि मेन मेजर जो आपका इशू था इस साल वो था इंग्लिश। ये इस्लामियात की जी बुक है जी, वर्ल्ड टाइम वालों की है, और इसके राइटर का नाम बता दें नीचे जाने में। अच्छा तो सिराज अहमद है कोई इस तरह। अच्छा चले, ये सिराज अहमद साहब, उनकी भी बड़ी अच्छी बुक है, ठीक है। और उसके अलावा करीम दाद की, दोनों की इंग्लिश के अंदर जो है वो आपको बुक मिल जाएगी, उससे आप इस्लामियात के क्वेश्चन वहां से कम तैयार करें। बाकी ये बुक सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताई है कि खुद से आपने स्टडी करें तो आपके पास कोई ना कोई बुक होनी चाहिए। बाकी ये क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट वीक से, तो उसमें हम एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसका मतलब वीक में हमारे अगर दो लेक्चर हैं तो उसमें हम सब्जेक्टिव भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। एक सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब अगर नवंबर में पेपर है तो हमारे पास 2 से 3 मंथ हैं, तो यानी कि 7-8 लेक्चर एक सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो इसके ऊपर डिटेल आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव नोट्स आपको पास आपके आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये कि बुक जरूर आपके पास कोई ना कोई होनी चाहिए, ये भी कहने की अच्छी चीज़ है। अच्छा अब आते हैं, मेजर जो आपका इशू इस साल में था वो था इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में आपने क्या करना, उसने कहा आपको दिए हैं प्रोवर्ब, ठीक है। उसके बाद उसने मतलब एंटोनम सिनोनम ये दे दिए हैं, ठीक है, इडियम्स दे दिए हैं। अब इसको आप कहाँ से तैयार करें, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे लोकल ग्रामर्स को देखें तो यहाँ पे टू दी पॉइंट वो भी अच्छी ग्रामर है, ठीक है। उसके अलावा सुभान चौधरी साहब हैं, उनकी शायद कारवान वालों ने छापी है, वो भी अच्छी बुक है, ठीक है। उसके बाद यही करीमदास जुगताई जो है, इनकी भी एक बुक है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, उनने CSS के लिए लिखी है, तो ये तीनों ग्रामर्स भी अच्छी हैं, ठीक है। बाकी आप जो यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर आप मतलब वो फॉरन राइटर की तरफ जाएं तो उनके लिए GK में कोई जरूरत नहीं। उसके अलावा जो आपका मेन मसला था एंटोनम के लिए, उसके लिए वो भी एक फॉरन राइटर की बुक है। यहाँ पे सर मुझे एक दफा होस्ट बनाए, मैं उसकी इनको पिक्चर दिखा दूँ। उसके अंदर जितने आपके idioms वगैरह हैं, ठीक है, प्रोवर्ब्स वगैरह, उसके ऊपर एक पूरी कलेक्शन है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। यूनिवर्सिटी बुक कॉर्नर वालों ने शायद उनकी है, वो आपको अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी, पहले तो पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने एक दफ़ा ली थी, लेकिन आज मैंने कंफर्म किया वो आपको इल्मी वालों से भी मिल जाएगी। उसकी 200 समथिंग उसकी प्राइस है। ये बुक है, ठीक है, मैकमोडी जो है इसका ये राइटर है, ठीक है, इंग्लिश idioms एंड हाउ टू यूज देम, ठीक है। ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर आपको idioms मिल जाएंगे, ठीक है, जिनको, और उसके अलावा बाकी जो बुक्स हैं उनसे आप idioms वगैरह, idioms के अलावा बाकी जो पर है वो एंटोनम सिनोनम शायर वो भी इसके अंदर हों, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं है तो बाकी बुक से वो याद करें, लेकिन ये idioms के हवाले से बहुत अच्छी इसके अंदर आपका कलेक्शन है, वो यहाँ से स्टडी के लिए आपको अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। और इसी से वो जो MCQs सॉरी जो idiom बाकी भी पेपर में आ रहे हैं, अगर वो किसी और बुक में नहीं भी नहीं है तो इस बुक में वो ज़रूर है, ठीक है। तो ये इतनी अच्छी बुक है, तो ये आप अब कहीं से भी इल्मी वालों से ले लें, ठीक है, या किसी भी बुक कॉर्नर से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, हमारा यही आज का प्रेजेंटेशन सेशन था, और अब आपके क्वेश्चन आंसर हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर समझ आ गई है तो चीज़ें कुछ क्लियर हुई हैं तो भी आप मुझे यहाँ पे ओके लिख दें। थैंक यू, बाकी लोगों को भी कुछ समझ आई है, क्वेश्चन है तो माइक ओपन करके क्वेश्चन कर सकते हैं।
मैंने वाइंड अप कर दिया अपना लेक्चर, जो भी चीजें बतानी थी मैंने बता दी। अच्छा, इसके अलावा अगर बल्कि मुझे अभी आप क्वेश्चन तो नहीं किया, मुझे खुद से याद आ गया, चले मैं आपको बताता हूँ। अब ये है कि अगर आपने इसके अलावा एक दो बुक्स हैं, ठीक है, करंट अफेयर जो पाकिस्तान के ऊपर मैंने आपको बताया कि वो अगर चेंज होते रहते हैं, ठीक है, कुछ करंट ऐसे अगर वही बुक जो मार्केट के अंदर पब्लिश हुई है वो तो वही सेम आगे नया एडिशन आता रहता है और ज्यादातर चेंज भी नहीं करते, ठीक है, जस्ट उनकी नई प्रिंटिंग टाइटल पेज चेंज होता है। आप ऐसे करें कि वर्ल्ड टाइम जो है उनके मैगजीन आते हैं हर मंथ में ना, मंथली मैगजीन आता है उनका, उर्दू में भी इंग्लिश में भी, आप इंग्लिश का मैगजीन लें, ठीक है, 350 का वो तकरीबन आता है हर मंथ, उसके अंदर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जो भी कोई इश्यूज होते हैं उसके ऊपर ओपिनियंस और आर्टिकल वहाँ पे लिखे हुए आ जाते हैं, और उसके एंड